हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल अभिषेक बाबू चैनल में आपका स्वागत है। और गाइस, आज की जो वीडियो है वो आगरा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जी हाँ गाइस, आज की ये वीडियो आगरा यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं खास करके उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद में आगरा यूनिवर्सिटी के फेल स्टूडेंट्स 100% श्योरली से पास हो सकते हैं। जी हाँ गाइस, मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो 100% पास होंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो गाइस चलिए, मैं आपको बताता हूँ कि आगरा यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, हाल ही में फेल हुए हैं, काफ़ी कमेंट्स आ रही हैं मेरे पास वीडियोज़ में कि सर प्लीज़ बताइए हम फेल हुए हैं, हम क्या करें, हमारे लिए क्या जो है हेल्पफुल रहेगा और हमें कौन सा रीज़न सही रहेगा, कौन सा हम मेथड यूज़ करें जिससे कि हमारी साल बच सके। तो गाइस आगरा यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा रास्ता लेकर के आया हूँ मैं, जिसकी वजह से वो 100% पास हो सकते हैं, 100% अपनी साल बचा सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ में अपनी स्टडी को कम्प्लीट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आपको सारी चीज़ें मैं समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। आगे बढ़ने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है टेक्निकल अभिषेक बाबू को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाली और भी सही वीडियोज़ को आप देखते रहें, उसका फ़ायदा उठा सकें, अपडेट होते रहें। तो गाइस जहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि आगरा यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं उनकी कंडीशंस हैं, ठीक है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही मैं सबको बताऊंगा, लेकिन हाँ जो मैं मेथड बता रहा हूँ वो सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है अवेलेबल रहेगा, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो या फिर एक्स स्टूडेंट हो, सभी लोग इस मेथड से जो है पास हो सकते हैं, बहुत आसानी के साथ में अपनी साल भी बचा सकते हैं। तो गाइस देखिए, जैसे कि मेरे पास कमेंट्स आ रही हैं, काफ़ी कमेंट्स आ रही हैं और सबसे ज़्यादा कमेंट्स में मुझे बताया जा रहा है कि सर हम एक एग्ज़ाम में या दो एग्ज़ाम में 3 नंबर या 4 नंबर से फेल हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि अगर आप लोग 3 या 4 नंबर से फेल हैं तो आप लोगों को ग्रेस मिल सकता है। ग्रेस की जो लिमिट होती है वो 8 नंबर तक की होती है। अगर 8 नंबर तक आपके नंबर कम है, मीन्स अगर आपके एग्ज़ाम में पास होने के लिए 8 नंबर कम है तो आपको ग्रेस मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एप्लीकेशन लगानी होती है, ठीक है। विदाउट एप्लीकेशन के आपको ग्रेस नहीं मिलेगा, अगर आप एप्लीकेशन नहीं लगाते तो आपको ग्रेस नहीं मिलेगा, क्योंकि एप्लीकेशन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग टीचर्स को पता चलता है और वो आपको जो ग्रेस देने में कंप्लीटिंग हेल्प करते हैं। तो देखिए गाइस, ग्रेस आप 8 नंबर तक के एग्ज़ाम में लगा सकते हैं। मान लीजिए आपके किसी भी एग्ज़ाम में 8 नंबर से कम, 8 नंबर की वजह से आप फेल हो रहे हैं या फिर 8 नंबर से कुछ कम नंबर है इसकी वजह से फेल हो रहे हैं, 6, 7, 5, तो उसके लिए आप ग्रेस का एप्लीकेशन लगा दें। ग्रेस का एप्लीकेशन लगाएं, साथ में अपना उसमें रियल टर्म है, मार्कशीट जो है उसमें अपना रोल नंबर मेंशन करें, सारी चीज़ें मेंशन करके उसकी जो मतलब एप्लीकेशन होगी वो अपने कॉलेज में जो है सबमिट करें। कॉलेज में सबमिट करने के बाद में मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी की एजेंसी तक भी सबमिट करवाएं। अगर आपकी एप्लीकेशन एजेंसी तक पहुँच जाती है, जहाँ पर कॉपियाँ चेक होती हैं, जहाँ पर कि आपके रिजल्ट तैयार होते हैं आगरा यूनिवर्सिटी की एजेंसी तक, अगर आपकी एप्लीकेशन पहुँच जाती है तो 100% आपकी एप्लीकेशन पर कार्रवाई होगी, 100% आपको ग्रेस मिल सकता है। तो मैं आपसे फुल्ली तरीके से बोलूँगा कि आप लोग अगर इतनी मेहनत कर रहे हो तो थोड़ी सी मेहनत और करें, आगरा यूनिवर्सिटी जाएँ अपनी एप्लीकेशन लेकर के ग्रेस की और उसमें जो है ग्रेस एजेंसी तक पहुँचाएँ, ठीक है। आपका यहाँ पर हम बात करते हैं ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि एक एग्ज़ाम में फेल हैं और एक्स स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, यानी कि एक्स स्टूडेंट हैं, एक एग्ज़ाम में फेल हैं, अब वो क्या करें, क्योंकि तो साल बर्बाद हो जाएगी, एक या दो या फिर तीन। तो देखिए, इसके लिए सबसे ज़्यादा बेटर एक जो तरीका रहेगा वो यही रहेगा कि आप लोग जो है अपने एग्ज़ाम्स की जिसमें आप एक एग्ज़ाम में फेल हैं उसके लिए आप स्कूटनी का फॉर्म डालना, ठीक है। स्कूटनी का फॉर्म डालने के बाद में आप लोग जो है स्कूटनी से आपकी जो एग्ज़ाम्स के मार्क्स हैं उनमें इंक्रीज़ होंगे और कम से कम आपके जितने भी एग्ज़ाम्स के मार्क्स हैं, मान लीजिए अगर आपके एग्ज़ाम में जो मार्क्स मिले हैं वो आपको 30 मिले हैं लेकिन आपको आपकी कॉपी के अकॉर्डिंग मिलने चाहिए थे 35, तो उसमें से जब आपकी कॉपी रीचेक होगी यानी कि स्कूटनी होगी जब आपकी कॉपी की, तो उसमें कम से कम आपको 3 नंबर 100% आगे इंक्रीज होकर मिल जाएंगे। इसकी वजह से आपका जो एग्ज़ाम है, जो मार्क्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा और आपकी जो मार्क्स है उसमें काफ़ी आपको नंबर मिल सकते हैं। अब वैसे यहाँ पर बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स की जो कि एक्स स्टूडेंट होने के बाद में भी 2 सब्जेक्ट में या फिर 3 सब्जेक्ट में फेल हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका ये रहेगा कि आप लोग जो है अपने लिए एक, मान लीजिए अगर आप 2 एग्ज़ाम में फेल हैं, ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप 2 एग्ज़ाम में फेल हैं तो एक एग्ज़ाम में आप ग्रेस के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं, दूसरे एग्ज़ाम की आप स्कूटनी फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि आप दोनों एग्ज़ाम की स्कूटनी फॉर्म भरें, ठीक, दोनों एग्ज़ाम की स्कूटनी फॉर्म भरें, लेकिन उसमें से एक एग्ज़ाम की आप जो है ग्रेस एप्लीकेशन सबमिट करें। ग्रेस एप्लीकेशन से ये होगा कि आपको ग्रेस मिल सकती है और आप जो है पास होने के आपके फुल चांसेस रहेंगे। स्कूटनी से ये होगा कि आपकी कॉपी दोबारा चेक होगी तो आपकी जो कॉपियाँ हैं उनमें जो मार्क्स है वो इंक्रीज 100% होते हैं स्कूटनी के अकॉर्डिंग, ठीक है। खास करके आपको बता दूँ कि आगरा यूनिवर्सिटी में इस समय काम बहुत अच्छा खासा चल रहा है, सारी कंप्लेंट्स की जो है अच्छी खासी सुनवाई हो रही है, सब लोगों की हेल्प की जा रही है और इस समय स्कूटनी का काम भी बहुत अच्छा खासा चल रहा है। स्कूटनी की कॉपियाँ भी 100% चेक हो रही हैं और उनमें मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं,
तो आप लोग भी ऐसे समय पे अपना फ़ायदा उठा सकते हैं, स्कूटनी का फॉर्म भरें। स्कूटनी का फॉर्म भरने के बाद में आप जो है स्कूटनी का फॉर्म भरने के बाद में आप जो है अपनी एप्लीकेशन भी सबमिट करें वहाँ पर। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद में आप जो बहुत आसानी के साथ में अपने एग्ज़ाम्स में अपने मार्क्स में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो गाइज आप जो है अगर इंस्टीट्यूट से अगर फेल हुए हैं तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप पास हो सकते हैं। आपके पास बहुत सारे मेथड हैं क्योंकि इस समय इलेक्शंस का टाइम है, उस समय फुल आपके लिए सपोर्ट है। इनकी इलेक्शन तो खत्म हो गई लेकिन फुल सपोर्ट है आप लोगों के लिए कि आप लोग पास हो सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आपको ग्रेस लगाना है, एक स्कूटनी का फॉर्म फिल करें। स्कूटनी के फॉर्म ऑनलाइन भी मिलते हैं, ऑफलाइन भी मिलते हैं। ऑनलाइन किस तरीके से आपको स्कूटनी का फॉर्म भरना है इसके लिए मैंने वीडियो बना दी है, उस वीडियो को आप देख रहे हो, वहाँ से आकर के डायरेक्टली ऑनलाइन फॉर्म भरना है। उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप डायरेक्टली फॉर्म भर सकते हैं बहुत आसानी के साथ में, और जो है बहुत जल्दी से इस काम को कंप्लीट करें। क्योंकि अगर एडमिशन स्टार्ट हो गए फिर आपके स्कूटनी का और आपके ग्रेस का कुछ नहीं हो सकता है, फिर आप फेल रहेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी से आप जो इस पर कार्रवाई करें। अगर आप फेल हैं तो आप एप्लीकेशन लगाएं ग्रेस की और स्कूटनी का फॉर्म भरें अभी हाल ही में, जिससे कि आपकी साल पढ़ सके। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपके लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूट लेकर के आऊँगा मैं जिसके अकॉर्डिंग आगरा यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो 100% श्योरिटी से पास हो सकते हैं, 100% उनको इन साल का रिजल्ट मिलेगा और उनकी साल बहुत आसानी के साथ में बच सकती है। तो भाई जी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप बहुत ही आसानी के साथ में पास हो सकते हैं और आपको इसी साल में आपके एग्जाम्स कराए जाएंगे, साथ में आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो गवर्नमेंट अप्रूव होगा। तो उस इंस्टीट्यूट के बारे में आपको अगली वीडियो बताऊंगा, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो को आप देख सकें और आप जो है पास हो सकें आसानी के साथ में। तो भाई आशा करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें भी पता चल सके आपने मेरे वीडियो को इतना सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। और गाइस एक बात और मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि मेरा एक दूसरा चैनल है यूट्यूब पर ऑल यूनिवर्सिटी रिपोर्टर, उसमें मैं इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी सभी एडमिशंस की जो है मैं एलिजिबिलिटी या फिर एडमिशंस की पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ उस चैनल पर। तो आप जाकर के उस चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। मान लीजिए आप अगर कुछ और करना चाहते हैं या फिर आप इस यूनिवर्सिटी से हट करके कुछ अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप मेरे उस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हर एक यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट मिलती रहेगी और एडमिशन के रिगार्डिंग आपको सारी जानकारी वहाँ मिलती रहेगी। तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसका नाम है ऑल यूनिवर्सिटी रिपोर्टर। आप जाकर के डायरेक्टली यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं और काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगी वहाँ से एडमिशन की रिगार्डिंग सारी चीज़ें।